In this video lecture, we will discuss about the meiosis process. So, meiosis जो क्रम है वो first time proposed की थी Farmer and Moro के अंदर. Meiosis division एक special kind का division होता है जिसके अंदर जो chromosomes numbers है वो आपके reduce to half. जो numbers है chromosomes के वो क्या जाते हैं आपके half हो जाते हैं. इसके अलावा जो meiosis जो division है ये ensure करता है haploid जो phase होता है sexual reproduction cycle के अंदर उसको क्या करता है ensure करता है. After the मियोसिस आपकी क्या होती है हैप्लोइड सेल्स क्या होती है आपकी फॉर्म होती है और मेनली जो म्यूटिक जो डिविजन होता है वो आपका प्रेजेंट होता है आपके गोनड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और आपकी गैमेट सेल्स क्या होते हैं आपकी फॉर्म होते हैं. तो आपकी जो गैमेट सेल्स है वो आपकी हैप्लोइड होती है बाई द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. बट जब उनके अंदर फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के कारण जो आपकी डिप्लोइड है वो क्या हो जाती है आपकी रीस्टोर्स हो जाती है फिर से जो आपका सेल्स है वो क्या हो जाती है आपकी डिप्लोइड हो जाती है. इसके अलावा मियोसिस जो प्रोसेस है वो आपका अकर्स होता है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस. गैमेटो मींस गैमेट एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. तो गैमेट की जो फॉर्मेशन होते हैं उस टाइम क्या होता है आपका मियोसिस डिविजन प्रेजेंट होता है और ये जो मियोसिस है ये बोथ आपके मेल गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है दैट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज ओजेनेसिस जो प्रोसेस होता है दोनों गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है आपका मियोसिस अकर होता है. और ये जो मियोसिस प्रोसेस है ये आपका अकर्स होता है ओनली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनम्स है वहां पे क्या होता है आपका मियोसिस प्रेजेंट होता है. ये दैट मींस आपकी जो जर्म जो सेल्स है उनके अंदर क्या होता है मियोसिस अकर्स होता है. वाइल सोमेटिक सेल्स की बात करें तो सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या होता है आपका माइटोटिक डिविजन माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है. इसके अलावा म्यूसिस जो प्रोसेस होता है ये टू सिक्वेंशियल साइकिल्स प्रेजेंट होती है आपका म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड के नाम से जानते हैं. तो इसमें बोथ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन क्या होते हैं आपके अकर होता है बट इसके अंदर क्या होता है एक सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई म्यूसिस फर्स्ट जो डिविजन होता है वो आपका रिडक्शनल होता है वाइल म्यूसिस जो सेकंड होता है लाइक माइटोसिस कैसा होता है आपका इक्वेशनल डिविजन होता है बिकॉज इसके अंदर क्या होता है ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए क्या होता है आपका रेप्लिकेशन होता है. तो एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक बार ही क्रोमोजोम नंबर क्या होंगे आपके डीएनए का जो कंटेंट है वो क्या होगा आपका इंक्रीज. सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही कट कट के आ रही है. वाइल मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट जो डिविजन होता है वो कैसा होता है आपका हेट्रोटाइपिक डिविजन या फिर इसको हम रिडक्शनल डिविजन बोलते हैं. हेट्रोटाइपिक हेट्रो का मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट. ठीक है हेट्रोटाइपिक डिविजन की बोल रहे हैं क्योंकि आपकी जो पेरेंट जो सेल्स है उसमें क्या होता है आपकी डिप्लोइड अगर कंडीशन है तो आपकी आफ्टर द डिविजन जो आपकी डॉटर जो सेल्स है उसमें जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो क्या हो जाते हैं आपकी रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. तो दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या जाता है आपके डिफरेंस हो जाते हैं. दैट्स व्हाई मियोसिस फर्स्ट जो डिविजन है उसको हम हेट्रोटाइपिक डिविजन या फिर इसको हम रिडक्शनल डिविजन के नाम से जानते हैं. रिडक्शनल क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर क्या है आपके रिड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू आपकी डॉटर सेल्स के अंदर और रिड्यूस होकर कितने हो जा रहे हैं आपके हाफ हो रही है. याद रखना कि क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है आपके रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. दैट्स व्हाई म्यूसिस जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या आता है जो क्रोमोजोम्स जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके रिड्यूस हो जाते हैं. इसके अलावा जो आपका म्यूसिस जो डिविजन है इसके अंदर जो क्रोमोजोम का जो डिविजन है डज नॉट अकर. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि म्यूसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोजोम्स का डिविजन अकर नहीं होता वाइल ओनली जो सेग्रीगेशन है क्रोमोजोम्स का वो क्या होता है आपका टेक्स प्लेस करता है. वाइल म्यूसिस सेकंड की बात करें तो म्यूसिस सेकंड क्या होता है आपका क्रोमोजोम्स का डिवीजन क्या होता है आपका अकर्स होता है. बाय मियोसिस फर्स्ट के अंदर डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स डज नॉट अकर. इसके अलावा जो आपका मियोसिस फर्स्ट है ये आपका इनिशिएटेड होता है आफ्टर द पेरेंटल जो आपकी क्रोमेटिड्स है वो आपकी रेप्लिकेट करती है आपकी आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म करती है एस फेज के अंदर. आफ्टर दैट आपका जो मियोसिस जो स्टेप है वो क्या रहता है आपका इनिशिएट हो जाता है. इसके अलावा मियोसिस जो फर्स्ट होता है उसके अंदर क्या होता है आपके जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है उसके अंदर क्या होता है आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है एज वेल एज जो आपका रिकम्बिनेशन है वो भी किसमें अकर सकता है आपके मियोसिस फर्स्ट के अंदर कर सकता है. हम मेन स्टेप की भी बात करेंगे किस स्टेप के अंदर आपका रिकम्बिनेशन होता है किस स्टेप में आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है किस स्टेप के अंदर आपका सेग्रीगेशन होता है. बट अगर हम ओवरऑल बात करें अगर हम ब्रॉडवे में बात करें
आपकी जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स है एंड रिकम्बिनेशन का जो प्रोसेस है वो अकर्स होता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है आपका अकर्स। अब ये जो म्यूटिक जो डिवीजन है म्यूटिक फर्स्ट एंड म्यूटिक सेकंड की बात करें तो दोनों के अंदर अगर हम बात करें इंटरफेज जो होता है वो आपका सेम एज माइटोसिस। जैसे अगर हम बात करें हमने देखे थे इंटर जो फेज होता है ये आपका डिवाइडेड होता है तीन फेज के अंदर G1, S एंड G2 फेज के अंदर। अगर सेल्स सेल डिवीजन के प्रोसेस से आपकी एग्जिट कर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं जीनोड फेज बोलते हैं। तो इसके अंदर इंटरफेज जो होता है वो आपका सिमिलर होता है सेम होता है एज द माइटोसिस। वाइल मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट आपके फोर फेज के अंदर डिवाइड होता है जिसको हम प्रोफेज फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। वाइल मियोसिस भी क्या होता है आपके फोर मियोसिस सेकंड भी क्या होता है आपका फोर स्टेप के अंदर क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है प्रोफेज सेकंड मेटाफेज सेकंड एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड के अंदर। आपका मियोसिस जो सेकंड होता है ये आपका सेम एज माइटोसिस आपका जो माइटोसिस का एम जो फेज होता है उससे बिल्कुल क्या होता है बिल्कुल सिमिलर क्या होता है आपका अकर्स होता है। वाइल मियोसिस फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू प्रोफेज मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लर्न करने की वही ट्रिक जैसे हम बात करें एम फेज के तो इसमें आप पी मैट से क्या कर सकते हो इनको लर्न कर सकते हो। फर्स्ट आपका प्रोफेज होगा सेकंड मेटाफेज होगा थर्ड एनाफेज होगा और फोर्थ क्या होगा आपका टेलोफेज अगर होगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट का ये आपका टिपिकली कैसा होता है लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है अगर इसको हम कंपेयर करें प्रोफेज ऑफ माइटोसिस माइटोसिस के प्रोफेज से। अगर इसको हम क्या करें कंपेयर करें तो प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर होता है मोर कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इट क्लासिफाइड इंटू फाइव स्टेप। ये आपके फाइव स्टेप के अंदर क्या होता है आपका क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है लैक्टोटीन सेकंड होता है जाइगोटीन थर्ड होता है पेकाइटीन फोर्थ होता है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ होता है आपका डाइकाइनेसिस। तो इन स्टेप को आपको ऑर्डर के अंदर याद रखना है फर्स्ट लैक्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन और आपका डाइकाइनेसिस। इसको लर्न करने के लिए आप कोई भी निमोनिक लगा सकते हो कोई भी ट्रिक लगा सकते हो जैसे लता जरा पानी दे दे। ठीक है पानी दे दे तो लता का एल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लैक्टोटीन को जरा का जेड रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जाइगोटीन को पानी का पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेकाइटिन को और फर्स्ट जो दे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लोटीन का क्योंकि पहले डिप्लोटीन स्टेज आएगी। काइनेसिस डिविजन कब होगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट जो दे है डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डाइकाइनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मल्टीपल स्टेम्स ये वाला आपका ऑर्डर के अंदर पूछा गया है तो फर्स्ट लैक्टोटीन देन डाइगोटीन देन पेकाइटीन देन डिप्लोटीन एंड एट लास्ट कौन सा होता है आपका डाइकाइनेसिस होता है। तो इन पांच स्टेप के अंदर क्या होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। लेफ्ट एंड राइट एंड डायरेक्शन में डायग्राम से प्रेजेंट है आपके लैक्टोटीन के जाइगोटीन के पेकाइटीन के डिप्लोटीन के एंड डाइकाइनेसिस के। तो इन डायग्राम्स में आपको की जो आपका रिप्रेजेंटेशन है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपके पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपको मैचिंग भी फ्लोरिंग में मिल जाएंगे। जैसे लैक्टोटीन की बात करें तो लैक्टोटीन फेज के अंदर क्या होता है आपके जो क्रोमोजोम्स है वो क्या होता है आपके रेप्लिकेशन अकर होता है। दैट मींस जो क्रोमोजोम्स है वो क्या होता है आपके डुप्लीकेट होते हैं ड्यूरिंग दी लैक्टोटीन फेज। लैक्टोटीन फेज के अंदर क्या होता है रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स या फिर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट होता है एज वेल एज जो क्रोमोजोम्स कंडेंसेशन है वो आपका प्रेजेंट होता है लैक्टोटीन स्टेज के अंदर होता है। सेकेंड जो स्टेज है दैट इज जाइगोटीन स्टेज और जाइगोटीन जो स्टेज है इसके अंदर क्या होता है आपके साइनेप्स की फॉर्मेशन होती है। साइनेप्स का मतलब क्या होता है आपके दो जो क्रोमोजोम्स है होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है वो आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर क्या करते हैं आपके बाइवेलेंट जो आपके क्रोमोजोम्स है उनकी फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं साइनेप्स के नाम से जानते हैं। ये जो साइनेप्स है ये आपके ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटेरियल नोन एज स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसमें दो होमोलोगस क्रोमोजोम जैसे एक होमोलोगस क्रोमोजोम्स है आपका रेड कलर का एक होमोलोगस क्रोमोजोम्स है सेम आपका ब्लू कलर का। तो दोनों जो क्रोमोजोम्स है आपकी इनकी जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है ये आपस में आपकी ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटेरियल से और इसको हम क्या बोलते हैं आपका बाइवेलेंट फॉर्म बोलते हैं। दैट मींस टेट्राड की जो फॉर्मेशन होते हैं वो किस स्टेज के अंदर होते हैं आपकी
जाइगोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है आपके टेट्राड की फॉर्मेशन होती है, या फिर इसको हम बाई बैलेंस बोलते हैं। बाई बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपकी दो जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपके क्या होते हैं, आपके जॉइन होते हैं। तो बाइवैलेंट फॉर्मिंग की बात करें तो किसमें फॉर्म होता है, आपके जायगोटिन स्टेज के अंदर फॉर्म होते हैं। इसके अलावा टेट्राड की बात करें तो इसमें क्या है, आपके चार जो क्रोमेटिड्स है वो आपकी जॉइन है विद द हेल्प ऑफ स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। तो आपके स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग किसमें होती है, आपकी जायगोटिन स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट फेज की बात करें, थर्ड जो फेज होता है दैट इज पैकाइटिन, मोस्ट इंपोर्टेंट फेज होता है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, बिकॉज जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो आपकी अकर्स होती है ड्यूरिंग द पैकाइटिन फेज। जो आपके होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है इनकी जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड से क्या होगा, आपके क्रॉसिंग ओवर अकर होगी, तो आपके जो बाइवेलेंट फॉर्म हुए थे उनके अंदर क्या होगी, आपकी क्रॉसिंग ओवर अकर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर अकर होते हैं ड्यूरिंग दी पैकाइटिन फेज। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज डिप्लोटीन फेज। तो डिप्लोटीन फेज के अंदर क्या होता है, आपके चैजमा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपके जो स्नैप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है आपके डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, आपके डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइल फॉर्मेशन की बात करें तो आपके स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग दी जायगोटिन, वाइल डिसोसिएटेड हो जाते हैं आपके डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होते हैं, आपके चैजमा की फॉर्मेशन होती है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, चैजमेटा के नाम से जानते हैं। चैजमेटा आपके फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग दी डिप्लोटीन फेज। तो चैजमेटा की बात करें तो चैजमेटा के अंदर क्या होता है, आपकी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, आपके जो नॉन होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है उनके अंदर क्या होना, आपके जीन का आपका ट्रांसफर होना, और इस स्टेज के अंदर क्या होता है, आपकी एक्स शेप की स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, चैजमा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स शेप की जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ये जो आपकी एक्स शेप की जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, चैजमा बोलते हैं। चैजमा की जो फॉर्मेशन है वो आपकी आकर्ष होती है इन डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। जैसे डिप्लोटीन स्टेज होगा, नेक्स्ट जो लास्ट जो फेज है प्रोफेज फर्स्ट का, दैट इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है आउटर, ये क्या होता है, आपकी फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट करता है, दैट मींस न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो आपकी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी के साथ आपका जो प्रोफेज फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, आपका एंड हो जाता है। इसके अलावा जो आपका डाइकाइनेसिस होता है ये आपका मार्क्ड होता है आपके टर्मिनलाइजेशन ऑफ चैजमेटा। इसके अंदर जो आपके चैजमेटा है वो आपके टर्मिनलाइज हो जाते हैं और आपके इनिशिएट करते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस फर्स्ट, दैट इज आपके मेटाफेज फर्स्ट को क्या करता है, आपके इनिशिएट करता है। तो पांचों स्टेज के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि किसमें आपके स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, किसमें आपके डिसोसिएटेड हो रहे हैं, किसमें चेजमा की फॉर्मेशन हो रही है, किसमें बाइवेलेंट की फॉर्मेशन हो रही है, किसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो आपकी फ्रेगमेंटेड हो रही है, और किसके अंदर आपके जो क्रोमोजोम्स है वो आपके डुप्लीकेट कर रहे हैं या फिर आपकी रेप्लीकेट कर रहे हैं। तो पांचों स्टेप के आपके मेन जो बेसिक फीचर्स है आपको उनके बारे में पता होना चाहिए और इनके सिक्वेंस के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम इस प्रोफेज फर्स्ट के जो आपकी स्टेजेज है उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज लैप्टोटीन स्टेज, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज होती है वो है आपकी लैप्टोटीन स्टेज। तो लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटीन जो थ्रेड्स है वो आपके कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और फॉर्म्ड करते हैं किसकी, क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो क्रोमोजोम्स होते हैं इन द लैप्टोटीन स्टेज आपके लॉन्गेस्ट होते हैं और एज वेल एज कैसे होते हैं, आपके थीनेस्ट होते हैं। इस स्टेज के अंदर आपके क्रोमोजोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई हम जो क्रोमोजोम्स हैं उनको विजिबल कर सकते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में आपके लैप्टोटीन स्टेज को स्टडी करते हैं तो हमें जो क्रोमोजोम्स है वो हमें ग्रेजुअली विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ओल्ड जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंट्रल्स। आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंट्रल्स, जहाँ पे आपका सेंट्रल्स होता है उस साइड क्या होता है, आपका डायरेक्टेड होता है। दैट्स वाई जो क्रोमोजोम्स है न्यूक्लियस के अंदर वो आपके अपियर्स होते हैं एज ए बकेट। इसलिए आपकी जो लैप्टोटीन जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, बकेट स्टेज बोलते हैं। बकेट का मतलब होता है जैसे गुलदस्ता, जैसे आपके जो क्रोमोजोम्स है ऐसे अपियर्स हो रहे जैसे गुच्छे के रूप में प्रेजेंट हो। तो गुलदस्ते में फूल क्या होता है, आपके गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सेम इसी तरह लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स है वो आपके अपियर्स होते हैं लाइक ए बकेट। दैट्स व्हाई लैप्टोटीन स्टेज को हम क्या बोलते हैं, बकेट
स्टेप के नाम से जानते हैं, और इस स्टेप के अंदर क्या होता है आपके जो क्रोमोजोम्स है वो आपके क्या होते हैं आपके रेप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, एज वेल एज उनका कंडेंसन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज आफ्टर द लेप्टोटिन दैट इज जायगोटिन स्टेज, और जायगोटिन जो स्टेज है इसको हम सिनेप्टोटिन स्टेज के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है आपके साइनेप्स की फॉर्मेशन होती है, आपके जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है आपस में क्या करते हैं आपके पेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की हेल्प से, क्या करते हैं आपके दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं, तो आपके दोनों क्रोमोजोम्स के बीच में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, और इसके फॉर्मेशन होने के कारण क्या होते हैं आपके बाइवेलेंट और टेट्राड जो आपके क्रोमोजोम्स है उसकी फॉर्मेशन होती है। That's why, ये जो स्टेज है आपकी विजिबल होती है, आपकी नेक्स्ट स्टेज के अंदर पैकाइटिन स्टेज के अंदर भी क्या होता है आपकी मोर क्लियरली विजिबल होते हैं, बट अगर हम बात करें आपके डिप्लोटिन स्टेज की बात करें तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर आपके जो सिनेप्टोनियल जो कॉम्प्लेक्स आपके डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है एक स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम, आपके जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है इनके बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं स्नेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज पैकाइटिन स्टेज, और पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होते हैं आपके थिक थ्रेड लाइक क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस स्टेज में आप देख सकते हो कि आपके दोनों जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है इनके मिडिल के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका स्नेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स, तो आपका जो स्नेप्टोनियल जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्लियरली विजिबल होता है पैकाइटिन स्टेज के अंदर, वाइल इनिशिएट होता है आपका स्टार्ट होता है आपके जायगोटिन स्टेज के अंदर, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं स्नेप्टोटिन स्टेज के नाम से जानते हैं। वाइल पैकाइटिन स्टेज के अंदर मेन जो फीचर्स होता है दैट इज इसके अंदर क्या होता है आपका क्रॉसिंग ओवर सकर होते हैं, इस क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या होता है एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स हम बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर कैसा होता है आपका एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है, इसमें जिस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है नेसेसरी होते हैं दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है ये आपके कंटेन रखता है एंडोन्यूक्लियेज प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइगेज प्रॉपर्टी, एंडोन्यूक्लियेज एंडो मतलब द इनसाइड, न्यूक्लियस मतलब क्लीव करना, आपके इनसाइड से क्या करता है आपके जो डीएनए है उसको क्या करता है क्लीव करता है, देन लाइगेज उसको ज्वाइन करने को, तो इसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम की क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि जो क्रॉसिंग ओवर्स है वो आपके अकर्स होते हैं ड्यूरिंग दी पैकाइटिन स्टेज। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, इससे पहले अगर हम बात करें आपके जायगोटिन स्टेज की बात करें तो जायगोटिन स्टेज के अंदर आपके जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम थी उनकी नॉन सिस्टर जो आर्म है उनके बीच में क्या होता है आपका सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होती है, वाइल पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होता है आपके जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिन्स है उनके बीच में क्या होता है आपका एक्सचेंज, आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या होता है आपका एक्सचेंजमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, तो इसमें एक्सेप की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग दी पैकाइटिन फेज फॉर्म्ड होती है, तो आपकी जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपकी अकर्स होती है ड्यूरिंग दी पैकाइटिन फेज, आफ्टर दी पैकाइटिन फेज नेक्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज की बात करें आपकी बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज जब भी स्टार्ट होगी तो इसके अंदर क्या होगा आपका जो स्नेप्टोनियल जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा आपका डिजोल होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आपके जो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में ये आपका जो स्नेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा डिजोल होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दी डिप्लोटीन स्टेज। इसके अलावा जैसे आपके डिप्लोटीन स्टेज क्या होगा आपका रिमूव होगा तो आपके जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम मान लो एक आपका रेड कलर का था सिस्टर क्रोमेटिड एक आपकी नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड थी आपकी ब्लू कलर की थी, तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर्स इनके अंदर जैसे आपका ब्लू वाले के पास क्या आ गया रेड वाले का पार्ट आ गया कुछ और आपके रेड वाले के पास क्या आ गया ब्लू वाले का पार्ट हो गया ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जब इनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं उस टाइम क्या होता है आपकी चैजमा की फॉर्मेशन, तो चैजमेटा क्या होते हैं एक्सेप की जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग दी क्रॉसिंग ओवर उसको हम क्या बोलते हैं चैजमेटा होते हैं, तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है जब रिपल्सन स्टार्ट करता है तो उनके बीच में क्या होती है एक्सेप की स्ट्रक्चर अपियर होते हैं और इस एक्सेप की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं चैजमेटा होते हैं। इसके अलावा डिप्लोटीन जो स्टेज है ये मे बी आपकी लॉन्ग लास्टेड हो सकती है, मे बी मंथ के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है और मे बी ईयर्स कुछ ईयर्स के अंदर भी क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं कुछ ओसाइट्स के अंदर आपके
वर्टिबेट के अंदर, कुछ वर्टिबेट्स हैं जिनके अंदर डिप्लोटिन जो स्टेज है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपकी कंप्लीट होती है, आपकी मंथ्स के अंदर और ईयर्स के अंदर फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो फेज है, लास्ट जो फेज है प्रोफेज फर्स्ट का, दैट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस की बात करें तो जैसे कि हमने बताया फाइनल स्टेज होता है मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट का, ये आपका मार्क्ड होता है टर्मिनाइजेशन ऑफ द चेस्टमेट। आपकी जो चेस्टमेट थी उसको क्या कहता है टर्मिनाइजेशन, वो आपकी क्या होती है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, और आपकी जो एक्सेप की जो स्ट्रक्चर्स है वो आपकी ओपन इन जिप लाइक मैनर। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो जिप होती है या आपकी क्या होती है आपकी जॉइंट होती है, जब इस जिप को आपको ओपन करते हैं तो इस तरह की क्या होती है आपकी स्ट्रक्चर अपियर होना स्टार्ट हो जाती है। आपके दोनों जो आपके क्रोमोसोम्स है जिप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, देन एट लास्ट दोनों जो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो आपके क्या हो जाते हैं आपके डिजोल्व हो जाते हैं। तो आपकी जो टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्टमेट है वो आपका की मार्क फीचर्स होता है डाइकाइनेसिस स्टेज का। इसके अलावा इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं आपके फुली कंडेंस होते हैं। इसके अलावा इसमें मियोटिक जो स्पिंडल्स है उनकी जो असेंबली है वो आपकी प्रिपेयर्ड हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, ताकि उनके अंदर क्या हो सके आपका सेपरेशन हो सके। तो इस स्टेज में जैसे आपका डाइकाइनेसिस खत्म होगा आपकी जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या हो जाएगी आपकी फ्रेगमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाई द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस जो आपकी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस है वो क्या जाता है आपकी डिसअपियर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका डाइकाइनेसिस का खत्म होगा तो आपका नेक्स्ट जो फेज है दैट इज मेटाफेज जो फर्स्ट है वो क्या जाएगा आपका इनिशिएट हो जाएगा। ये कुछ की फीचर्स से आपके प्रोफेज फर्स्ट की पांचों स्टेजेस को। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ डाइकाइनेसिस ये आपका ट्रांजिशन होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर दैट इज मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो मेटाफेज फर्स्ट या फिर आपके एनाफेज फर्स्ट की बात करें टेलोफेज फर्स्ट की बात करें तो हमने आपका जो माइटोसिस के एम फेज उससे रिलेटेड ही क्या होता है आपकी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है आपके मियोसिस फर्स्ट के अंदर और आपके मियोसिस सेकंड के अंदर आफ्टर दी प्रोफेज। और जो डिफरेंस होता है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है आपका डिफरेंस अगर होता है क्योंकि प्रोफेज जो फर्स्ट होता है वो लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर। तो मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है आपकी जो बाइवेलेंट है वो आपके अरेंज होते हैं ऑन द इक्वेटर। आपके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट आपके जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं आपके इक्वेटर पे क्या होते हैं आपके अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब इक्वेटर पे अरेंज होते हैं तो इन क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पे जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। तो मेटाफेज जो प्लेट है वो आपकी फॉर्म होती है मेटाफेज के अंदर, और जैसी मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होगी तो इनके अंदर क्या होंगे आपके जो माइक्रोट्यूबुल्स है दैट इज स्पिंडल जो फाइबर्स है वो क्या होंगे आपके अपोजिट पोल से क्या होंगे आपके अटैच होना स्टार्ट होंगे टू दी पेयर ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। आपका एक होमोलोगस क्रोमोसोम है कि सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम से, तो इसे आपके एक पोल से क्या होगा आपका स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे आपके अटैचमेंट होने स्टार्ट होंगे। अनदर जो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो आपके अटैच होंगे अनदर पोल से क्या होंगे आपके अटैच होंगे। आपके जो स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है वो आपकी फॉर्म्ड होती है मेटाफेज फर्स्ट के अंदर, और मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स है वो आपके अरेंज होते हैं इक्वेटर पे जिनको हम मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। सर आवाज कट गई आपकी। जैसा कि हमने प्रोफेज फर्स्ट में देखा था कि आपके जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर क्या होते हैं दो टाइप के स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं लाइक मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज जो फर्स्ट होता है इसके अंदर भी क्या होता है दो टाइप के क्या होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, एक आपके क्रोमोजोमल फाइबर्स और सेकंड है आपके स्पोर्टिंग फाइबर्स। क्रोमोजोमल फाइबर्स है इनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के नाम से या फिर इनको हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स के नाम से जानते हैं, वाइल स्पोर्टिंग जो फाइबर्स है इनको हम कंटिन्यूअस और स्पिंडल फाइबर कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो स्पोर्टिंग जो फाइबर्स है ये आपके प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी पोल टू पोल। आपके पोल टू पोल क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, वाइल अगर हम बात करें आपके क्रोमोजोमल या काइनेटोकोर फाइबर्स की बात करें तो एक पोल से आपके सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और सेकंड आपके सेकंड पोल से सेंट्रोमियर तक अटैच होते हैं। तो इनका जो कंटिन्यूअस है वो आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं रेगुलर प्रेजेंट नहीं होते, वाइल अगर हम स्पोर्टिंग फाइबर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं आपके कंटिन्यूअस होते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मेटाफेज फर्स्ट नेक्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज एनाफेज सेकेंड जो स्टेज है थर्ड जो स्टेज है आपकी वो है आपकी एनाफेज फर्स्ट।
एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, आपके जो शॉर्टनिंग है क्रोमोजोमल फाइबर की, आपके जो क्रोमोजोमल फाइबर्स है, दैट मींस ये जो फाइबर्स है इनके अंदर शॉर्टनिंग होना स्टार्ट होता है जब भी आपके शॉर्ट करें, मतलब कि ये कोई एक थ्रेड है या आपका फाइबर्स है, जब इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, तो जब ये स्ट्रेंथनिंग होगी तो जिस पेयर के साथ ये अटैच है वो क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, उस पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, आपके मूव हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी क्रोमोजोमल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होगी तो आपके जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है वो क्या हो जाएंगे, आपके सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो सेग्रीगेशन की बात करें तो सेग्रीगेशन किस स्टेप के अंदर होता है, आपके एनाफेज फर्स्ट के अंदर। तो आपके मेंडल की बात करें या फिर किसी भी एनिमल्स की बात करें तो जो क्रोमोजोम्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो किस फेज के अंदर होता है, आपके एनाफेज फर्स्ट के अंदर होता है। तो याद रखना एनाफेज फर्स्ट के अंदर, अगर नॉर्मल है माइटोसिस है तो भी क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्या होता है, सॉरी माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट ही नहीं होती, वाकई अकर्स होती है ओनली एनाफेज के अंदर। तो जो क्रॉसिंग ओवर्स है वाकई अकर्स होती है ओनली एनाफेज फर्स्ट के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि जो क्रोमोजोमल फाइबर्स है होमोलोगस क्रोमोजोम के, वाकई क्या होते हैं, शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है वाकई सेग्रीगेट होते हैं, ईच अदर मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। जैसे इनकी शॉर्टनिंग होगी तो एक एक पोल की तरफ जाएगा, सेकेंड अनदर पोल की तरफ क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे, ठीक है। तो सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है आपके रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड, दैट मींस ये आपकी एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सेकेंड क्रोमेटिड्स है, तो आपकी जो सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है ये आपके रिमेन क्या होती है, आपकी अटैच होती है एट द टाइम ऑफ एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर जो डिवीजन है सेंट्रोमियर का वो क्या होता है, आपका अपसेंट होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, इसमें डिवाइड नहीं होता, सेंट्रोमियर्स की हेल्प से जो आपका कंप्लीट जो क्रोमोजोम्स है वो क्या हो रहा है, आपका सेग्रीगेटेड हो रहा है एक पोल की तरफ, क्या हो रहा है, आपका सेग्रीगेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज है आफ्टर द एनाफेज, दैट इज टेलोफेज। तो टेलोफेज के अंदर क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, आपके फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके अंदर क्या है, आपकी ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक जो स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर जो एनवलप है इनके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज वेल एज इन मैनी केसेज के अंदर क्या होता है, आपके जो क्रोमोजोम्स है डू नॉट गो सम डिस्पर्शन बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट इन द इंटरफेज न्यूक्लियस। उनके अंदर क्या होता है, डिस्पर्शन नहीं होता, वो आपके इमिडिएटली क्या होता है, आपके इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस में क्या कर जाते हैं, आपके एंटर कर जाते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियर टेलोफेज आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा, लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन। तो जैसे ही आपके जो क्रोमोजोम्स है इनके अंदर क्या होगा, आपके न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही लेट जो प्रोफेज होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तो हमें क्या मिलेगी, टू डॉटर सेल फॉर्म। तो जैसे ही आपका टेलोफेज खत्म होगा तो हमें क्या मिलेगी, टू हैप्लोइड डॉटर सेल्स की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स। क्योंकि हमें क्या मिल रही है, दो सेल्स क्या हो रही है, आपकी फॉर्मड हो रही है। आपकी डिप्लोइड जो सेल्स है आपकी डिवाइड होगी टू आपकी हैप्लोइड डॉटर सेल्स के अंदर, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, डाइड ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट जो है आपका इंटरकाइनेसिस। जैसे अगर हम एक बार रिवाइज करें तो आपका एक तो आपका इंटरफेज होता है, देन क्या होता है, आपका एम फेज होता है। तो इंटरफेज के अंदर क्या होता है, आपका जी वन फेज होता है, देन आपका एस फेज होता है, देन आपका क्या होता है, जी टू फेज होता है, देन आपका एम फेज। एम फेज के अंदर भी क्या होता है, आपका फर्स्ट जो फेज होता है दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड एट लास्ट क्या होता है, आपका टेलोफेज प्रेजेंट होता है। और टेलोफेज के बाद एट लास्ट क्या प्रेजेंट होता है, आपका साइटोकाइनेसिस प्रेजेंट होता है। तो एम फेज के बाद फिर से क्या आएगा, आपका दोबारा से आई फेज है। तो दो आई फेज के गैप के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एम फेज प्रेजेंट होता है। सेम इसी तरह से अगर हम मियोसिस फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो आपके मियोसिस फर्स्ट होगा, देन मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, आपका मियोसिस सेकंड प्रेजेंट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटर मतलब होता है बिटवीन, आपके वन मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और इस इंटरकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन होती है, मियोसिस सेकंड अकर ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है जो मियोसिस सेकंड के दौरान क्या होती है, आपकी नेसेसरी होती है।
ठीक है, तो आपका जो इंटरजोफेज है वो आपके माइटोसिस के रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है आपका अब्सेंट होता है, भाई आपका जो एसजोफेज होता है उससे क्या करता है आपका रिजेंबल करता है। इसके अलावा इंटरकाइनेसिस जो फेज होता है ये जनरली कैसा होता है आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके अलावा जैसे आपका इंटरकाइनेसिस कंप्लीट होगा ये आपका फॉलोड बाय दी प्रोफेज सेकंड आपका एंटर करेगा, किसके अंदर प्रोफेज सेकंड के अंदर एंटर करेगा, और ये जो प्रोफेज जो सेकंड है ये आपका सिंपलर होता है एज कंपेयर टू प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट है उससे क्या होता है आपका सिंपलर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आपका जैसे M1 मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो आपका इंटरकाइनेसिस फेज आएगा, और जैसे इंटरकाइनेसिस आएगा तो आपका मियोसिस सेकंड क्या होगा स्टार्ट होगा। तो मियोसिस सेकंड में भी फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट। तो आपका जो इंटरकाइनेसिस है वो आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे इसकी ड्यूरेशन खत्म होगी आपका फॉलोड करेगा किसको प्रोफेज सेकंड को फॉलो करेगा, ठीक है। और ये जो प्रोफेज सेकंड है एज कंपेयर टू प्रोफेज फर्स्ट कैसा होता है मच सिंपलर होता है। तो ये आपका मियोसिस फर्स्ट था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके मियोसिस सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे।